गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश। बच्चों को मूल पर आधारित गणनाओं में बहुत सारे की प्रॉब्लम आती है, इसको देखते हुए उनके आग्रह पर हम इस वीडियो को देखिए बनाए हैं। तो मूल पर आधारित गणनाओं में पहला हम बता चुके हैं कि यदि भार दिया हो तो कैसे मूल निकालें। इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आयतन दिया हो तो कैसे उसे मूल में हम बदलते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी पदार्थ की एस टी पी और एन टी पी पर एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। कोई भी पदार्थ हो, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, नाइट्रिक अम्ल है, क्या हो जाएगा, जैसे H2SO4, NH3, O2, तो इनके एसटीपी और एनटीपी पर, किसी पदार्थ का एसटीपी और एनटीपी पर एक मोल का आयतन फिक्स होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 ml मिलीलीटर होता है। अब एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सामान्य ताप दाब। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। स्टैंडर्ड प्रेशर 1 वायु मंडल या आपका 760 मरकरी दाब। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर हो जाएगा आपका 1 वायुमंडल या 760 मरकरी दाब। तो किसी भी पदार्थ का एसटीपी और एनटीपी पर एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। यदि आयतन दिया हो और मोल में बदलना हो तो क्या करेंगे? तो मोल बराबर दिया आयतन बटे 22.4 लीटर। किसी पदार्थ का आयतन दिया हो और हम मोल में बदलना चाहते हैं तो दिए हुए आयतन को 22.4 से भाग दे देंगे तो हमें उस दिए हुए पदार्थ के आयतन मोल में बदल जाएगा। जैसे हमें निकालना है कि 11.2 लीटर अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने में? 11.2 लीटर अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोल बराबर दिया आयतन कितना है? 11.2, ठीक है। अब बटे में हम निकाल लेंगे, 22.4 से भाग दे देंगे तो 1/2 मोल, मतलब कि 0.5 मोल। तो कोई आयतन दिया हो और उसे मोल में बदलना हो तो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, मोल बराबर दिया हुआ आयतन अब बटे में 22.4। अब ये तो आयतन दिया हो तो मूल में, यदि हो सकता है कि दे दे 0.4 मोल H2O, और इसका आयतन यदि पूछता है तो कैसे निकालेंगे कि 0.4 मोल में वाटर की कितने आयतन हो। तो यही फॉर्मूला, मोल दे दिया 4, आयतन निकालना है, आयतन अब बटे में 22.4।
आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर 0.4 इंटू 22.4, चार चौक 16, 6, 4 × 8 = 9, 5 × 8 हो जाएगा 8.96। तो इस तरह से किसी पदार्थ के दिए हुए आयतन से हम मोल में बदल लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक, यदि कणों की संख्या दिया हो तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।